गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन DSC 304 व्हाट विल वी डू, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पेपर, इट इज़ एकेडमिक राइटिंग इन कॉम्पोजिशन. इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट, बिकॉज इन सेकेंड यूनिट व्हाट्स एवर वी हैव डन इट वॉज पॉसिबल टू डिलीवर अ लेक्चर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स डील्स विद ग्रामर. वो मैं आपको वीडियो ही सेंड करूँगी. सो प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग क्या है, यानी एकेडमिक राइटिंग को लिखा कैसे जाता है. पहले हमने टाइप्स किए हैं डिटेल में, ग्रामर वाला पोर्शन हमारा स्टिल अभी बचता है. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस, इसमें फोर स्टेजेस हैं. वन इज प्री ड्राफ्टिंग, अदर वन इज ड्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज रिवाइजिंग एंड फोर्थ वन इज एडिटिंग, जो है फाइनल स्टेज है. तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, राइट इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, का जो प्रोसेस है व्हाट इज इट. एकेडमिक राइटिंग जो है वो वी कैन लर्न इट विद प्रैक्टिस. ऑब्वियसली जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम प्रैक्टिस से लर्न करते हैं. हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों के थॉट प्रोसेस जो है इट शुड बी वेरी मच क्लियर, कि किस बारे में लिखना है, क्यों लिखना है, कितना लिखना है और कहाँ लिखना है, इट शुड बी क्लियर टू अस. सो एकेडमिक राइटिंग में एंगेज होने से पहले हमें जो है वी मस्ट लर्न द क्राफ्ट, इसकी टेक्निक हमें सीखनी है. और ये एक प्रोसेस है और इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्री ड्राफ्टिंग इज देयर, ड्राफ्टिंग इज देयर, रिवाइजिंग इज देयर एंड देन एडिटिंग इज देयर. सो इन स्टेजेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो वर्क है दैट वुड बी फ्लॉलेस एंड अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ राइटिंग. इट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, लीनियर होता है स्ट्रेट, ये जिगजैग वाला प्रोसेस है जहां आप एक बार प्री ड्राफ्टिंग करोगे, फिर यू विल फाइंड आउट लूप होल्स, फिर आप ड्राफ्टिंग करोगे, अगेन यू विल फाइंड आउट लूप होल्स, देन वॉट यू विल डू, यू विल गो थ्रू इट, यू विल रिवाइज इट एंड देन फाइनली जो है वो एडिटिंग इसकी होने वाली है. आपके थॉट्स से रिलेटेड ये चीज़ है कि आप अपने थॉट्स को किस तरह से सक्सेसफुली, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वॉट इज़ प्री ड्राफ्टिंग. इनिशियली वी डिड वॉट इज एकेडमिक राइटिंग एंड नाउ वी विल गो थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस. वॉट इज प्री ड्राफ्टिंग, यू द प्री ड्राफ्टिंग मीन्स चार चीज़ें क्लियर करनी है. वॉट इज़ द पर्पज ऑफ राइटिंग, वॉट इज़ योर टॉपिक, कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका जो मटेरियल है वो क्या डालोगे आप, और द रिजल्ट और द इफेक्ट ऑफ द राइटर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रीडर. तो आपको रीडर को ध्यान में रख के जो है वो कंटेंट को फ्रेम करना है. जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं है यू वॉन्ट बी एबल टू राइट डाउन एनीथिंग. योर पर्पस शुड बी क्लियर, टॉपिक शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, विच टाइप, किस तरह के रीडर्स के लिए आप लिख रहे हो. तो आपका टॉपिक है वो अरेस्टिंग होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, और जो आपका जो टाइटल है वो लंबा नहीं होना चाहिए, और जो आपका टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए. उसके बाद जो कंटेंट ऑफ द मैसेज टू बी कन्वेड वो आपका सिस्टमैटिक होना चाहिए जो कंटेंट है, और उसके साथ ही रिजल्ट जो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रीडर से वो पॉजिटिव तभी आएगा अगर ये चीज़ें पॉजिटिवली आप चीज़ों को लोगे और पॉजिटिवली वर्कआउट करोगे. नेक्स्ट वन इज़ ड्राफ्टिंग स्टेज. प्री ड्राफ्टिंग में हमने सोचा, हमने क्या सोचा, कंटेंट सोचा, हमने टाइटल सोचा, हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है और किस टाइप के रीडर्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, हमने वो चीज़ें क्लियर की. देन इज़ द योर ड्राफ्टिंग स्टेज. ड्राफ्टिंग स्टेज इज़ योर सेकेंड स्टेप एंड वॉट यू हैव टू डू. फर्स्ट ड्राफ्ट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू द फाइनल ड्राफ्ट. कभी भी जो हम एक बार काम करते हैं वो फाइनल नहीं होता. जैसे मैं नॉर्मली आपको बोलती हूँ ना कि आप लोग क्या करते हो, आप ट्रायल मैच नहीं देते हो, आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, आप सीधे सीधे फाइनल मैच खेलते हो. तो ड्राफ्टिंग जो है वो कभी भी फाइनल नहीं होती. एक बार लिख के हमने फाइनल कर दिया ये पॉसिबल नहीं है. जब आप रिपोर्ट लिखते हो या कोई भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो आप, तो आप एक बार लिख के नहीं बोल सकते कि वो फाइनल है, क्योंकि पहले कंटेंट क्लियर होगा, फिर आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर होगी. सो मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल मैनर. इट शुड नॉट बी सीन दैट सो नो असेंशियल डिटेल्स आर लेफ्ट आउट. लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, मैटर लॉजिकल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, और स्टाइल जो है वो डायरेक्ट और इफेक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ उसमें नहीं डालनी है जिसमें आके जो है रीडर ये फील करे दैट इसमें ये चीज़ लैक कर रही है. फिर रिवाइजिंग स्टेज है. अब आपने ड्राफ्टिंग कर ली है, अब व्हाट वी विल डू, यू विल रिवाइज. इसमें क्या करोगे आप, जो हमारे जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस है वी विल वर्क अपॉन देम. कंटेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, वोकैबुलरी अप टू द मार्क लाएंगे, ग्रामेटिकल एरर्स जितने हमें दिख रहे हैं हम लोग उनको फाइंड आउट करेंगे, अपना जो है वो अपने आइडियाज़ को उसमें डालेंगे. और जो है राइटर शुड गो थ्रू मल्टीपल ड्राफ्ट्स. उसको बार बार ड्राफ्ट कर करके हम फाइनल स्टेज तक जो उसको लेके आते हैं. एडिटिंग स्टेज क्या है, जब आपका रफ ड्राफ्ट ख़त्म हो गया है, उसको आपने रिव्यू कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो आप क्या करोगे कि उसमें मिस्टेक्स ना हो, किसी भी तरह की मिस्टेक्स को आपने रिमूव करना है. और अगर राइटर सेटिस्फाइड है फाइनल शेप ऑफ द ड्राफ्ट से, तो वो आपने उसको एक पेपर पे लाना है
फाइनली अब आपकी जो वर्ड्स और लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और अगर आपने लंबे सेंटेंसेस को डाला है तो उनको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट सेंटेंसेस में डालेंगे, और किस तरह के रीडर्स के लिए आप लिख रहे हैं आपने उस टाइप का कंटेंट उसमें सप्लाई करना है। अब इन्हीं 4 स्टेप्स को इलैबोरेट किया गया है कि व्हाट इज प्री ड्राफ्टिंग। सो प्री ड्राफ्टिंग कम्स बिफोर एक्चुअल ड्राफ्टिंग और राइटिंग ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग एंड इट हेल्प्स द राइटर इन फाइनलाइजिंग अ टॉपिक। प्री ड्राफ्टिंग में हम टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं, अपना पर्पस क्लियर करते हैं और रीडर को फाइंड आउट करते हैं किस टाइप का रीडर है। अब प्री ड्राफ्टिंग में फर्दर स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। वन इज योर प्लानिंग, योर प्लानिंग शुड बी यू नो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि मैंने लिखना क्या है, क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है और मेरी जो वर्ड सिलेक्शन है वो किस तरह की रहेगी। प्लानिंग जो है फर्स्ट स्टेप है बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, इट इज़ वेरी असेंशियल टू प्लान आउट अबाउट द टास्क। राइटर शुड बी क्लियर अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग, आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है। दूसरे आपको जो है क्या आप किस टाइप के ऑडियंस के लिए लिख, किस टाइप के रीडर के लिए लिख रहे हो, इट शुड बी क्लियर टू यू, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सपोज आप एक विलेजर से बात कर रहे हो, मैं बार बार ये एग्जाम्पल कोट करती हूँ, आर यूजिंग इंग्लिश, तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वहाँ आपका जो कम्युनिकेशन है चाहे राइटिंग का है रीडिंग का है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। थर्डली जो है वॉट वी शुड कन्वे ईच एंड एवरी फैक्ट थ्रू आर राइटिंग, जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं उसमें हमने हर चीज़ को कवर करना है, और जो एकेडमिक मैसेज है ये एक ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव के साथ लिखा जाता है, तो आपकी जो राइटिंग है वो प्रॉपरली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए। दूसरा है रिसर्च, रिसर्च मीन्स किसी चीज़ को दोबारा फाइंड आउट करना, रिसर्च दो वर्ड्स जुड़े हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप जो है रिसर्च है और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ राइटिंग है। सो आपने क्या फैक्ट्स को उठाना है एक चीज़, और आपने जो है उस टॉपिक पे रिसर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपका मेन आइडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, उस इन्फॉर्मेशन को आप जो है वो पैराग्राफ जो आप टॉपिक लिखोगे उसमें फिल करोगे, उसके बाद जो उसमें गैप रहेंगे आपने उनको भी फिल करना है, और राइटर को क्या करना है अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लाना है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपने वो डालना है, और आपने WH टाइप क्वेश्चंस पे जो मैं बिगिनिंग से बोल रही हूँ व्हेन व्हाई वेयर हु हूज होम व्हाट ये सारे क्वेश्चंस जो उसमें कवर होने चाहिए, यानी कि अगला क्वेश्चन ना कर पाए जो रीडर है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस नए आइडियाज़ को लाना, अपने दिमाग को काम करने के लिए उकसाना। सो इसमें आपने रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल अप्रोच जो है वो लेनी है, तो रिलैक्स होकर आप लोग उस चीज़ पे वर्कआउट कर पाओगे, एंड इट कैन प्रूव वेरी इफेक्टिव इट इज़ डन विद ओपन माइंड एंड स्पिरिट ऑफ नॉन जजमेंट से। अगर आप इसको करोगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपने किसी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का आपने यूज़ करना है। सो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है जो क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो अर्लियर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स थे वो क्या था, आइडिया फिशर था, थिंकल था, पैरामाइंड एट्सेट्रा थे, और अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे हमने काम करना है और उस चीज़ को हमने बाद में सॉल्व करना है और टॉपिक को प्रॉपर कंप्लीट करना है। अगर आप देखो राइट अ डिटेल नोट ऑन रिसर्च, और रिसर्च जो है कि प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, रिसर्च मींस यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग अगेन, दोबारा से नए एंगल से आपने जो है स्टडी करना है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेशन वेयर राइटर प्रोब्स एन इशू और मेक्स एन आर्ग्यूमेंट, जो राइटर वो देता है, इट एम्फसाइजेज द व्यू पॉइंट ऑफ द राइटर हु नीड्स टू गो बियॉन्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंसिस, को वो काउंट नहीं करेगा, वो रिसर्च करेगा, एंड द राइटर नीड्स टू रेफर टू द अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ड्रॉन कंक्लूजन्स, उसको अलग सोर्सेज का यूज़ करना है, तो उससे क्या होगा हमें राइटर का व्यू समझ में आएगा और राइटर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। फॉर ए फैक्चुअली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज पीस ऑफ राइटिंग राइटर को रिसर्च करना पड़ेगा, उसको उस टॉपिक के बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तब हम लोगों के पास जो है एक्यूरेट जो है वो डाटा आता है। इसमें है आपका रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, क्वेश्चनेयर एंड सैम्पलिंग। व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन, किस टाइप का रिसर्च वर्क आप करना चाह रहे हो, ओवरऑल प्लान में क्या क्या है आपका, द टाइटल ऑफ द रिसर्च किस क्या टाइटल है, आपका पर्पस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पल एंड सोर्स ऑफ डाटा क्या है, और प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन और टूल्स जो आप यूज़ करोगे, और पैटर्न ऑफ रिसर्च विद रेफरेंस टू टाइम एंड
बजट, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा आपका पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन के साथ हाइपोथेसिस। इट रेफर्स टू टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है विच इज़ रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोपोजिशन दैट इज टेस्टेड बाय वेरियस मीन्स। एक स्टेटमेंट है जिसको अलग अलग तरह से प्रोपोजिशन है वो उसको अलग अलग तरह से हम टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और ये हमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी देती है और हमें अलग अलग तरीके से सोचने के लिए फोर्स भी करती है। टेस्टिंग इज़ ए प्रपोज स्टेटमेंट, द राइटर मेक्स यूज ऑफ अदर्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जो टेस्टिंग है उसमें दूसरों की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को हम यूज़ करते हैं और दूसरे सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की आ जाए। इट्स शुड नॉट बी ए जर्नलाइज स्टेटमेंट, ये जर्नलाइज स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए और ये कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले आती है कि आप किस तरह से किस काम पे किस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हो। जो क्वेश्चन आयर है आपने सुना होगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई जाती है क्वेश्चनर जो हैं, एंड द रिस्पॉन्डेंट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और जो रिस्पॉन्डेंट है, जो रिस्पॉन्स देने वाला है, वो उस स्पेस में जो है वो आंसर्स देगा। गुड क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई भी उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो रिस्पॉन्डेंट को या रिस्पॉन्स देने वाले को अनकंफर्टेबल फील करवाएं। सैम्पलिंग क्या होता है? आपने कलेक्शन करनी है डाटा की, कहाँ से? प्रोसेस ऑफ रिसर्च में, और उसमें सैम्पल जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो वाइल लाइक राइटिंग रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, उसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, सर्वे करना है उससे रिलेटेड लिटरेचर, एक हाइपोथेसिस को डिवेलप करना है, रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करके डिटर्मिन करना है सैम्पल डिज़ाइन, डाटा कलेक्ट करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, डाटा को जो डाटा कलेक्ट किया है उसको यू हैव टू एनालाइज, देन यू हैव टू गो थ्रू टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एंड लास्ट में आपका फाइनल जो है कंक्लूजन आएगा कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। नाउ आई हैव डिस्कस दीज टू क्वेश्चन विद यू, सो टुडे वॉट यू विल डू, यू विल गो थ्रू दीज टू क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन को आपने जो है वो स्टडी करना है, टू और थ्री वॉट्स एवर वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली थ्री क्वेश्चन, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थ्री क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। और मैं आपको फिर एक चीज़ बोल रही हूँ, बुक्स खरीद लो, अदरवाइज यू विल श्योरली बी इन ट्रबल, क्योंकि मिड टर्म का जो भी जैसे भी प्लान होगा आई विल टेक इट ऑनलाइन, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है यू विल बी इन ट्रबल, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। एग्जाम्स मार्च में ही होने वाले हैं, तो आप लोग बुक्स खरीद के अपनी स्टडीज़ को शुरू कर दो। योर थ्री बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ओनली वन बुक ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई विल सेंड यू पिक्स ऑफ द नोट्स एंड डिटेल्स ऑफ द सेम। सो गुड डे।